तीन ट्रेड होल्ड किए थे कल से, ग्रासिम, IDFC और टाटा स्टील। इसकी एनालिसिस पहले आपको बता देता हूँ। मार्केट ओपन चार्ट पे कुछ पता नहीं, फ्यूचर्स का डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है ट्रेडिंग व्यू में। कोई कैंडल ही नहीं बन रही है। टाटा स्टील में एक बनती हुई दिख रही है, इसको हम इक्विटी का चार्ट एक बार लोड करके देखते हैं। ओके, इक्विटी में डेटा आ रहा है, कुछ शायद फ्यूचर्स के चार्ट में कुछ डेटा में एरर आ रही है, तो कोई बात नहीं, इक्विटी के डेटा के हिसाब से हम इसको देख लेंगे। IDFC और इधर टाटा स्टील का भी इक्विटी का ही लोड कर लेता हूँ। एक कैंडल बनी थी वो भी अटक ही गई है। ठीक है, तो टाटा स्टील भी ये सब इक्विटी के चार्ट्स लोड कर लिए, इक्विटी के चार्ट्स परफेक्ट चल रहे हैं। कुछ डेटा शायद फील्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें फ्यूचर्स के चार्ट में, लेकिन अब कहीं ना कहीं MTM पे देख सकते हो प्राइस जो बढ़ रहा है। IDFC 00 बता रहा है 3000+ है, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे ही है। ग्रासिम में एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है और टाटा स्टील में भी एक अच्छा मूव है। तो फिलहाल पोजिशंस को रन होने देखते हैं, कि क्या मिल सकता है आज हमें इसमें से। जितना बड़ा गैप अप निफ्टी में है उस हिसाब से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, उतना बड़ा गैप अप मेरे पोजिशन में तो नहीं मिला है, पर देन दिन में भी और चल जाएगा। ये अभी 126 दिखा रहे हैं, ये 2 के ऊपर भी चला जाएगा तो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट टुडे। तो यहाँ पे मैं एक रिलायंस का ट्रेड लूंगा, रिलायंस के फ्यूचर्स बाय करने हैं अपने को, और कहीं ना कहीं इसमें फिलहाल 8 लॉट लेते, 10 ले लें, 8 लेते हैं, फिर और 2 ले लेंगे कुछ थोड़ा नीचे से मिलेगा तो। दिस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये मैं भूल से जून का ले रहा हूँ, मुझे जुलाई लेना है, तो रिलायंस का जुलाई का फ्यूचर ले लेते हैं। जितने भी दूसरे भी जो मैं ट्रेड जुलाई के लिए हुए, कुछ कन्फ्यूज हो गया था, इसे एक साथ 10 लॉट ले लेते हैं, 2500 क्वांटिटी कर देता हूँ और इसको बाय कर लेते हैं। तो रिलायंस में कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आएगा आज, ऐसा लग रहा है, इसके लिए फ्यूचर्स लिए। और IDFC भी मेरे पास जो था मैंने क्लोज कर दिया लास्ट के आधे घंटे में, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, क्या बोल रहा था, हाँ, लास्ट के आधे घंटे में शॉर्ट स्ट्रेडल भी एक लिया था बैंक निफ्टी का, और IDFC था वो क्लोज कर दिया था। उसमें कहीं ना कहीं एंट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, इसके लिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था। और जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में बुलिशनेस है और ये डे हाई से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसको मुझे रखना नहीं था, तो मैंने उसको एग्जिट ही कर लिया। उसकी एंट्री एक्चुअली बहुत परफेक्ट नहीं थी, नीचे से लेना चाहिए था, पर थोड़ा ऊपर निकल गया, ऊपर जाके लिया हुआ, तो ऐसे ही थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो एनीवेज फिलहाल अभी रिलायंस लिया है, देखते हैं कैसे आगे परफॉर्म करता है मार्केट। और गाइस, जो रिलायंस का ट्रेड लिया है वो आप देखोगे तो इधर एग्जैक्टली पोस्ट भी कर दिया है। तो ये जितनी भी एनालिसिस है 200 EMA को यूज़ करके भी आप निकाल सकते थे, वो मैं वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप ढूंढ सकते थे। बहुत इजी ट्रेड है और एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। ऑलमोस्ट 3:15 बज गए और पूरे दिन में फिर कुछ किया ही नहीं, खाली बैठे रहे। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा होता है, बैठे रहना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग होता है, पर देन पैसा बनता है वही बहुत है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन बैठे रहे और अभी पोजीशंस जो चल रही है उसको कहीं एग्जिट करने का फिलहाल कोई मूड भी नहीं है, तो ये कैरी ऑन करके लेके जाएंगे। तो अब इसके बाद हम इसके एनालिसिस पार्ट पे चले जाते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को यूज करके भी आप ये ट्रेड्स निकाल सकते थे, वो कैसे निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हम रिलायंस के एनालिसिस देख लेते हैं, और जितनी भी एनालिसिस है ये 195 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, पर आप 4 आवर्स के भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग में नहीं है तो। 4 आवर्स पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा, तो चलो 4 आवर्स ही ओपन कर लेते हैं। तो इधर आप देखोगे 4 आवर्स पे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज में इधर से कंटिन्यूसली 200 EMA के ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अपसाइड ही जा रहा है। और हायर हाइज और हायर लोज भी आप बनते हुए देखोगे, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, एक और हायर हाई था,
और ये एक और हायर लो था, फिर एक और हायर हाई था, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा है। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे, जहाँ पे हमने इसमें एंट्री ली है। तो जो हमारी एंट्री है गाइज, वो कहीं ना कहीं आज सुबह यहाँ पे हुई है डिसाइसिवली। ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आज गैप अप ओपनिंग थी और इधर सस्टेन हुआ था 1 आवर, तो हमने सुबह को ये कहीं ना कहीं उसके बाद जब ट्रेड लिया था। और फिलहाल आप देखोगे तो पूरे दिन में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आके देखोगे तो मोमेंटम धीरे 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 ऊपर का ही रहा है और इधर वो साइडवेज हो गया। अब देखेंगे कल क्या होता है, या कल तो खैर छुट्टी है, सो एनीवेज होल्ड में पड़ा रहेगा, आगे देखा जाएगा इसका। तो ये रिलायंस के एनालिसिस थी, 200 EMA के ऊपर है, 1 आवर के चार्ट पे नीचे से 200 EMA से बाउंस बैक था। और जो दूसरे हमने ट्रेड्स ले रखे हैं, रिलायंस हो गया, ग्रासिम और टाटा स्टील। तो आ जाते हैं ग्रासिम पे। तो ग्रासिम पे भी दोस्तों आप देखोगे 195 मिनट्स का चार्ट है, 4 आवर्स भी, या तो मैं लोड कर लेता हूँ, तो क्योंकि 4 आवर्स का चार्ट नॉर्मली आप लोग के पास सबके पास ही अवेलेबल होगा tradingview.com पे। तो ग्रासिम में भी एक्जैक्टली इधर ये 200 EMA के ऊपर निकल गया, ट्रेंड बुलिश हो गया। इधर आप देखोगे 200 EMA के पास से बाउंस बैक मिला, इधर 200 पीरियड मूविंग एवरेज से बाउंस बैक मिला, और इधर आप देखोगे तो एक्जैक्टली 200 EMA पे खाली एक विक टच हुई और यहाँ से बाउंस बैक मिला, रिवर्सल मिला। तो कहीं ना कहीं कल हमने यहाँ लिया था और आज भी अभी होल्ड ही करते जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कहाँ तक और आगे जा सकता है, तो फिलहाल होल्ड है। और इसमें एक्चुअली जैसे दिन में आपने देखा मैंने 50% क्वांटिटीज प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब तब को 250,000 के आसपास का प्रॉफिट था, 240-50, तो 120 या 125 जितना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी जो 50% क्वांटिटीज है वो होल्ड रहेंगी। और ये एक टाटा स्टील भी हमने लिया हुआ है, टाटा स्टील का भी आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है टाटा स्टील। ओके गाइस, तो टाटा स्टील में आप देखोगे तो साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है 200 EMA के आसपास, 4 आवर्स में पूरा चौपी स्ट्रक्चर है। लेकिन इस चौपी स्ट्रक्चर में जो एक चीज़ देखने लायक थी वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसमें वो चौपी हो रहा था। और हम अगर पैटर्न्स की बात करें तो फाइनली ये ब्रेक करके ये कहीं ना कहीं शायद अब ट्रेंडिंग फेज में आ सकता है, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि चौपी स्ट्रक्चर को एक बार उसने ब्रेक किया। और इधर आप देखोगे तो नीचे आया 200 EMA पे, एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया, इसलिए कहीं ना कहीं कल हमने इधर बाई किया था इसको। और अभी आज थोड़ी छोटी गैप अप ओपनिंग है, थोड़ा सा मूव आया और अभी देखते हैं आगे कहाँ जा सकता है, तो इसको भी होल्ड करेंगे। तो ये जो 3 स्टॉक्स थे उसकी एनालिसिस थी गाइस। और IDFC भी एक मैं ले रखा था, आप देखोगे तो 16,000 रुपये नुकसान भी हुआ है, तो उसके पीछे क्या एनालिसिस थी वो बताता हूँ, और क्यों मैं हट गया उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी वो बताता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेड था दोस्तों 200 EMA से बहुत दूर था 4 आवर्स के चार्ट पे, और 1 आवर के चार्ट पे इधर बाउंस बैक था, तो मुझे एक्चुअली ट्रेड लेना चाहिए था इधर कहीं पे, और मैंने एक्चुअली कल लिया था इधर कहीं पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते कि मेरी एंट्री थोड़ी सी सही नहीं थी, तो इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा था। और आज अगर सुबह गैप अप ओपनिंग से सीधा सीधा थोड़ा ऊपर चले जाता तो मैं शायद डे लो का SL रख लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। गैप अप ओपनिंग तो हुई थी, पर उधर पहली कैंडल ही ऐसी बनी थी कि उसमें फिर जो कन्फ्यूजन था थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने एग्जिट करना ही पसंद किया। और इसलिए भी एग्जिट किया क्योंकि रिलायंस में अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट थी, तो इसको एग्जिट करके सीधा हमने वो पैसे से रिलायंस में इन्वेस्ट किया। और रिलायंस में कहीं ना कहीं हमको 63,000 का प्रॉफिट हो भी रहा है, जो अभी तो और होल्ड में भी है। तो ये कुछ एनालिसिस थी गाइस इस फिलहाल जो ट्रेड चल रहे थे उसकी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, जल्दी मिलेंगे। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।